दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे एस विजन अकेडमी पर। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार हम लोग रोज ही देख रहे थे कि हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी कब आएगा, और ये हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी लीजिए आ ही गया। तो आप सभी को शुभकामनाएं, और हमारे चैनल के माध्यम से नया प्रैक्टिस सेट और पूरा सिलेबस वाइज जो है प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज कहें या मॉडल क्वेश्चन कहें, ये आपको लगातार अप्लाइड होगा। और ये आज के डेट में जारी हुआ, आप देख सकते हैं 1/3/2024 के डेट में। तो देखिए, हॉस्टल वार्डन मतलब छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, मतलब छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी जारी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हम पूरा सिलेबस सहित सारी चीज़ों की जानकारी यहां पर देखेंगे, पूरा सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, और परीक्षा का प्रारूप किस तरह से, ये परीक्षा का निर्देश भी देखेंगे, पूरा डिटेल जानकारी देखेंगे। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि छात्रावास अधीक्षक का वीडियो आए, तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हो या टेस्ट सीरीज हो, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 27/2/2024 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जो है यहाँ देख सकते हैं, सहमति पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त 300 पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन छात्रावास अधीक्षक, मतलब ये छत्तीसगढ़ के लिए छात्रावास अधीक्षक है, सीजी व्यापम के द्वारा जारी हुआ है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक जो तिथि है, ये 1/3/2024 मतलब 1/5 से शुरू हो गया है आज के डेट से, और अंतिम जो तिथि है ये 31 मार्च तक चलेगा। अगर कोई त्रुटि हो जाता है तो सुधारना है तो सुधार करने के लिए 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र बताया गया, यहाँ 32 मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र आयोजन किया जाएगा परीक्षा का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया है ये प्रेस विज्ञप्ति। यहाँ देखिए, और जो शुल्क के संबंध में बात कर लेते हैं, कि यहाँ छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ़ किए जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक, यहाँ आप देख सकते हैं F102 के तहत जो है, छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय जो प्रतिभागी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा इनसे, ये ध्यान रखिएगा। और इसको मैं टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करा दिया हूँ, टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, GS Vision Academy, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका PDF प्रोवाइड करा दिया हूँ। इसके आगे हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है सिलेबस, उसकी हम जानकारी देखेंगे कि सिलेबस के अनुसार हम तैयारी कैसे करें, हमारी रणनीति क्या हो। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस क्या होगा। और किसी भी जो है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सिलेबस के अनुसार हमें रणनीति क्या करना चाहिए, किसमें कितने स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए, आदि सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो है। तो जो है अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कुल प्रश्न 100 होंगे और 100 अंकों के होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, 1/4 माइनस मार्किंग होगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, माइनस मार्किंग जो होगा ये 1/4 होगा, मतलब आप समझ सकते हैं वहाँ जो है परीक्षा हाल में माइनस मार्किंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं प्रदान की जाती। तो देखिए इसमें क्या क्या है, भाग अ है जो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। तो कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान ये कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो प्रश्न पत्र में इस भाग में 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे, और परीक्षार्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, 30 प्रश्न होंगे लेकिन 50% अंक प्राप्त करना होगा, मतलब 15 अंक पाना होगा आपको। 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के, इस 30 अंक में 15 अंक आपको अनिवार्य होगा पाना, ध्यान रखिएगा। जिसमें देखिए, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेस, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, ये पूरा सब दिया है, आगे देख लेंगे, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग। अब चलिए दोस्तों, ये जो है PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, इसलिए मेन टॉपिक को देखते हैं। मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन जो है, ये सब आप देख लेंगे। आगे चलिए देखते हैं भाग ब है। अब देखिए, पहले 10 नंबर का हिंदी पूछा जाता था, अभी ये जो है 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, मतलब 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग वचन, संज्ञा सर्वनाम, समास, संधि और व्याकरण
व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इससे होगा, ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसे आप जो है आगे जो है देखेंगे तो ये आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट इसका लगातार प्रोवाइड होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए अंग्रेजी, ये भी 5 अंकों के आएंगे, 5 प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर होगा, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, देखिए ये है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिवास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वोकेबुलरी, इससे होगा 5 अंक का 5 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ देखिए गणित का प्रश्न, तो गणित जो है ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब देखिए हिंदी आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा, कम से कम आप इंग्लिश में 2 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर पे ज़्यादा मेहनत करना है, ध्यान रखिए कंप्यूटर आपको अच्छे से मेहनत करना है, और गणित भी चूँकि स्कोरिंग मार्क्स लाएगा तो गणित मेहनत जरूर करिए, और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए गणित 25 अंकों के 25 प्रश्न होंगे, 30 जो है कहाँ से आ रहे हैं, कंप्यूटर से, 20 कहाँ से आ रहे हैं आपके गणित से, सॉरी 25, तो 55 नंबर इसी में हो गया। तो ये दोनों स्कोरिंग के लिए आप गणित का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यहाँ देखिए क्या है, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, चाल दूरी समय, सामान्य ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, रेखा कोण, समतली आकृतियाँ, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, और कोष की मांगे। तो देखिए ये जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप जो है एक बार फिर से कहूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बहुत सारा मैथ्स का मैं अलग से वीडियो भी बना दिया हूँ। यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान जो होगा ये 15 अंकों के केवल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, खेल शिक्षा, खेल और शिक्षा, योग मूल शिक्षा, इससे संबंधित होंगे 15 प्रश्न 15 अंकों के। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा आपका जीके, ये तो खैर सबका तैयारी रहता है, मेन आपको करना है कंप्यूटर और आपका जो है दूसरा मैथ्स का। समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, तो ये देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, खेल साहित्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, अब देखिए समसामयिकी में भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, मंथली वाला उसमें भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियाँ, इसमें से 5 प्रश्न पूछा जाएगा इस बार, और 5 प्रश्नों के 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारियाँ होगी इसमें, बाल मनोविज्ञान एक नया चीज़ आया है यहाँ पर, और इसमें 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और बाल मनोविज्ञान का भी हम कोशिश करेंगे, तो इस तरह से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंकों का होगा। तो इस तरह से आपका पूरा ये जो है सिलेबस था, और नोटिफिकेशन तो आप देख ही लिए हैं, परीक्षा का प्रारूप आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था, जैसे ही कोई नया जानकारी आता है तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। पुनः एक बार कहूँगा सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करें आप।